This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूँ अली नासिर। आज इस बड़े ही अहम मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे जनाबे वाला, वो बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर पाकिस्तानी चावलों की जो मांग है उसके बारे में हम बात करेंगे और जो किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी राइस एक्सपोर्ट्स को उसके बारे में बात करेंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन के चैलेंजेस। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। पहली मरतबा तशरीफ़ लाया हमारे मार्केट शो के ऊपर जनाब फैज़ान अली ओरी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं मेटको राइस के। वेलकम करूंगा सर आपको। थैंक यू सो मच नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। फैज़ान साहब, मेरे जहन में वैसे तो उभरते बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन बेचैनी जो पाई जा रही काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ ख़ास तौर पे राइस ग्रोअर्स और एक्सपोर्टर्स के अंदर, वो मार्केट के अंदर जो अनेमली क्रिएट हो गई प्राइस की वजह से, लोग बड़े परेशान हो गए। बहुत सारे ग्रोअर्स जो हैं हमारे घबरा के उन्होंने राइस इस दफ़ा लगाने के बारे में भी दो मरतबा सोचा। अब बैन अलावा सतह के ऊपर क्या हालात बेहतर हुए हैं? क्या राइस ग्रोअर और मिलर जो हैं उनके अब मामलात बेहतर हो चुके हैं? ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो पाकिस्तान में आपको जिस तरह मालूम ना सब, दो किस्म के चावल ग्रो होते हैं, एक है बासमती और दूसरा है नॉन बासमती लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस। ठीक है, तो अगर बासमती की पहले बात शुरू करें तो पिछले दो सालों से एक डाउनवर्ड ट्रेंड था कि प्राइसेस जिस रेट पे खुलती थी हार्वेस्ट टाइम पे अक्टूबर नवंबर में, तो उससे वो रिवर्स की तरफ आ रही थी। अगर 2013 का साल देखें या 2014 का साल देखें, फिर हम दो साल देख रहे हैं 2015 का क्रॉप ईयर, उसके अंदर प्राइसेस ओपन हुई और फिर फार्मर्स को उसके अच्छे पैसे मिले। ठीक है, और सेम जो ट्रेंड हम देख रहे हैं 2016 में अक्टूबर नवंबर में जिस तरह क्रॉप आई, तो दे हैव गुड रिटर्न ओवरऑल अब जो है जी बासमती में। और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो बासमती का अगर हम प्राइस ट्रेंड देखें फॉर सर्टेन वेराइटीज, देर हैव बीन ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज। And that is the munji, they will get the price paddy, right? For the paddy. और तो उसमें डायरेक्ट एक तो फार्मर्स को भी बेनिफिट हुआ है, एंड देन थ्रू आउट द वैल्यू चेन, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो उसका हस्कर है स्मॉल हस्कर सेलर, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, हर एक को उसमें वैल्यू चेन में फ़ायदा हुआ है, स्पेशली दिस ईयर। और उसकी वजह यह है कि ईरान की एक तो एक्सपोर्ट्स खुल गई हैं, फिर पाकिस्तान की प्राइसेस वंस अगेन आर मोर कम्पिटिटिव कम्पेयर टू इंडिया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसके भी फैक्टर्स हैं, वो आपको फर्दर हाईलाइट करूंगा। फॉर एग्जांपल उसमें एक वैरायटी है 1121 जो पाकिस्तान में पहले कम आती थी, जी अब वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है, एकरेज बढ़ रही है, जिसकी वजह से आर प्राइसेस आर कम्पेटिटिव, क्योंकि वो शक्ल में कहते हैं कि बिल्कुल बासमती से मिलती जुलती है, खाली उसको पकड़ने वाला माहिर जो है वो एरोमा से पकड़े उसको, ऐसा मुझे लोगों ने कहा है। उसकी जो AGL है एवरेज ग्रेन लेंथ, तो वो आप समझें 8.2 mm है, right? और जो ट्रेडिशनल सुपर, चाहे वो इंडिया में होता था बासमती, ट्रेडिशनल बासमती या सुपर जो पाकिस्तान का है, उसकी AGL है 7.2 mm। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन वैरायटी, राइट? और उस वजह से इवन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, चाहे वो शादियों के अंदर पकवान वाले बना रहे हैं या एक्सपोर्ट के अंदर, वो हल्के हल्के उसकी जो मार्केट शेयर है उसकी पजीराई बढ़ती जा रही है। जी दूसरा जो चावल है वो है नॉन बासमती। नॉन बासमती में इस दफा पाकिस्तान को थोड़ा सेटबैक हुआ है एक्सपोर्ट के हवाले से, वो ये कि थाईलैंड प्रीडोमिनेंटली इरी वैरायटी, इरी वैरायटी, तो दैट फॉर द पास्ट टू इयर्स हैड बीन द सेविंग फीचर फॉर ओवरऑल पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। अच्छा, कि अगर बासमती का ट्रेंड डिक्लाइनिंग पे था तो इरी जो था उसको सपोर्ट कर रहा था। इरी के अंदर मुसलसल एक तो ग्रोथ आ रही थी और पाकिस्तान के अंदर बहुत मेजर मार्केट जो खुली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आप समझे 3.7 मिलियन टन तक लास्ट ईयर हुई। बट इस दफ़ा होना ये हुआ कि कहते हैं अब ऑल दो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटिस्टिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉप साइज एकरेज, वो काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं और उसकी एक्यूरेसी भी लोग सवाल उठाते हैं। सही कह रहे हैं, तो कहते हैं कि क्रॉप शायद कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो रेट बनता है एट करंट लेवल प्राइसेस, बिकॉज दे आर वेरी हाई फॉर पैडी एंड फॉर वाइट राइस, वो $380 बनता है वर्सेस थाईलैंड जहाँ पे $360। तो ये जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर इरी या लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस की सेल्स जो है डिक्लाइन हुई है। और अगर हम 8 मंथ का फिगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट देयर इज 11-12% ड्रॉप इन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बट सेविंग ग्रेस इसमें मैं ये कहूँगा कि जो ओवरऑल ट्रेंड है कि अगर फरवरी का मंथ कंपेयर करते हैं इस दफ़ा 2017 का वर्सेस सेम फरवरी 2016, तो फॉर बासमती देयर इज अ 25%
ग्रोथ इन वॉल्यूम्स. तो पाकिस्तान का जिस तरह मैंने कहा कि बासमती की वंस अगेन एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव सिनेरियो में आ रहा है. राइट. लेकिन जो चावल है उसकी कदर तो पुराने होने पर है. राइट. फॉर बासमती दैट मींस इट वुड मैच्योर इन अबाउट अ ईयर और टू. जी. आई एम जस्ट रफली सेइंग. जी. तो ये जो अभी हम बेचेंगे प्रोडक्ट ये साल दो साल पुरानी होगी ऐसा मेरा ख्याल है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये जो अभी बासमती वाली जी जैसे अभी जो क्रॉप फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट हो रही है वो 2015 के क्रॉप ईयर की भी है. राइट. जो ऑलमोस्ट एक साल और तकरीबन डेढ़ साल पुरानी है. जी जी. प्लस उसके साथ साथ कुछ मार्केट्स के अंदर जहाँ पे मतलब बायर बड़ा होता है जो एक्सपोर्ट करके इम्पोर्ट करके अपने पास स्टोर कर सकता है फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया की मार्केट या ईरान की मार्केट वहाँ पे नई क्रॉप भी जाती है. जी. तो 2016 की क्रॉप है जो अब जिस साल हम गुजार रहे हैं उसकी भी अब रैपिडली एक्सपोर्ट जा रही है. और इनफैक्ट जो प्राइस डिफरेंशियल हमेशा होता था कि पुराना चावल उसकी वैल्यू ज़्यादा होती थी और नए की कम होती थी वो डिफरेंशियल भी बहुत कम रह गया. अच्छा. जी जी. बैन अलोकामी सत्ता पर उसकी मांग बढ़ गई. जी जी. एब्सोल्युटली. बहुत ज़्यादा. That happens when the economy is doing well. देखिए जो राइस की बिजनेस है इट्स ऑल्सो अ साइक्लिकल बिजनेस. अच्छा. तो अगर हम देखें कि 2008 और 9 के अंदर एक मैसिव प्राइस का जंप था ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस एज वेल एज राइस प्राइसेस. तो सबसिक्वेंटली कैपेसिटी एडिशन हुई इन टर्म्स ऑफ एडिशनल लैंड जिससे प्रोडक्शन बढ़ी. फिर इन टर्म्स ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान की मार्केट में ही देखें तो यहाँ पे मिडल ईस्ट से बहुत लोग आए जिन्होंने अपने राइस की फैक्ट्रीज लगाई. जी जी. फ्रॉम कतर फ्रॉम अबू धाबी फिर लोकल को जायंट्स थे उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रीज लगाई जिस वजह से एडिशनल कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग भी आई. लेकिन इस टाइम पे हुआ ये कि ग्लोबल प्राइसेस फॉर ऑल कमोडिटीज़ हैव स्लम्प्ड. अगर आप ऑयल की प्राइसेस देखें कोल की प्राइसेस देखें ऑल सॉफ्ट कमोडिटीज़ फेरस मेटल्स ऑल नॉन फेरस मेटल तमाम की प्राइसेस जो थी दे हैव कम डाउन. सेम हैपेंड विद राइस जिसकी वजह से जो ये एक पैच था लोगों ने कम ग्रो करना शुरू किया और अब वो जो कमोडिटी का एक तरह से बॉटमिंग ऑफ द कमोडिटी साइकिल कहते हैं वो हमें नज़र आ रहा है. अच्छा. कि 2015 के अंदर प्राइसेस बढ़ी 2016 में बढ़ी ऑलमोस्ट 7-8 साल बाद. तो एक बड़ा मशहूर जो कहते हैं कि 7 lean years and 7 fat years जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था कि मतलब बादशाह को ख्वाब आता था कि 7 गाय देख रहा हूँ 7 मोटी गाय 7 पतली गाय तो उसका मतलब क्या है ख्वाब की ताबीर बताएं. तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 साल जो है कैद साली आएगी 7 साल जो होगी मतलब फरवानी आएगी. तो उस जो फरवानी वाले सालों के अंदर आप स्टोर करें तो दिस इज़ अ नेचुरल साइकिल जो 5-6-7 साल के साइकिल्स आते हैं. अब हमें नज़र आ रहा है कि वी आर बॉटमिंग आउट ऑफ दैट साइकिल. इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड भी बहुत है. अगर हम कैरी ओवर सरप्लस स्टॉक्स की बात करें तो थ्रू आउट द वैल्यू चेन चाहे वो पाकिस्तान के अंदर चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट्स में देर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ कैरी ओवर स्टॉक्स जिसकी वजह से नेचुरली प्राइसेस बढ़ रही हैं. ओवरऑल ये एक अच्छा फैक्टर है. उसकी वजह ये है कि प्राइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर द कमिंग क्रॉप ईयर. अब चावल की जो क्रॉप की सोइंग होगी मई जून के अंदर सोइंग होगी तो जब प्राइसेस फार्मर अच्छी देख रहे हैं कि देर इज़ अ गुड प्राइस ओवरऑल इन द इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में तो एकरेज ज़्यादा होगी फसल ज़्यादा लगेगी एंड देर विल बी एक्स्ट्रा क्रॉप इन द कमिंग ईयर जो हम 2017 का साइकिल देख रहे हैं. लेकिन राइस ग्रोअर्स हैव नो सपोर्ट प्राइस. राइट. वो फ्री मार्केट के पास ही जाएंगे. जी. अब जब नई रिजीम आ गई देयर इज अ न्यू सिस्टम इन प्लेस फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स आई थिंक मोर देन अ डेकेड नाउ इफ आई एम राइट. तो अब दे आर नॉट लुकिंग फॉर सपोर्ट प्राइस. आई थिंक गवर्नमेंट गेव किसान पैकेज एंड दे गेव सम रिलीफ टू देम. हाउएवर दे हैव टू लुक फॉर अ प्राइस इन द ओपन मार्केट. तो ये क्या मिलर्स इस दफ़ा उनको ऐसी कीमत दे पाए हैं कि वो इनकरेज भी हो जाएं जैसे आपने कहा और नेक्स्ट टाइम के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि ये बिल्ड होता दिखाई दे रहा है. डू एक्चुअली फील इन रियल टर्म्स दे विल बी ग्रोइंग एंड व्हाट विल दे बी ग्रोइंग इफ दे आर ग्रोइंग राइस देन व्हाट वैरायटी वुड दे बी ग्रोइंग. जी. इसमें ऑल्दो गवर्नमेंट डज अनाउंस अ सपोर्ट प्राइस लेकिन वो सपोर्ट प्राइस इतनी मैटर नहीं करती राइस के ट्रेड में जितनी फॉर एग्जांपल व्हीट में करती है. हाँ. या शुगर केन में करती है क्योंकि इसमें तो फॉर एग्जांपल वीट की गवर्नमेंट तो खुद प्रोक्योर करती है थ्रू पास्को या सिंध फूड या पंजाब फूड. राइस के अंदर क्योंकि गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करती नहीं तो हमेशा जो फ्लोर प्राइस होती है वो नीचे ही होती है और जो एक्चुअल मार्केट प्राइस पे प्रोक्योरमेंट पैडी की हो रही होती है वो ज़्यादा रेट पर ही हो रही होती है. एज़ फार एज़ इस साल फार्मर्स को प्राइस जो है वो अच्छी मिली है
और बोथ फॉर नॉन बासमती पैडी एंड फॉर बासमती पैडी, तो उससे बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि फार्मर्स शुड बी प्लांटिंग मोर राइस इन द कमिंग ईयर, और इतना उसके अंदर कोई स्विचिंग फैक्टर के दे विल स्विच टू शुगर केन या कॉटन नजर नहीं आता, जैसे बाकियों में कंपटीशन शुरू हो गया है जी, बाकी क्रॉप्स में आपस में झगड़ा शुरू है कॉटन का शुगर का जी, इनकी आपस में लड़ाई और सर्टेन एरियाज पाकिस्तान के ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला की जो बेल्ट है, नारोवाल कामों की साधु की, इस एरिया के अंदर जो फार्मर की प्रेफरेंस है और सदियों से वो क्रॉप ग्रो ही चावल का करते हैं कि दैट लैंड एवरीथिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस आर आइडियल फॉर राइस, साइकोलॉजिकली दे हैव बीन नाउ कंडीशनड इन अ वे कि वो राइस ही लगाते हैं। नारोवाल इज वेरी नियर टू वेयर आई एम फ्रॉम, अच्छा, एंड वहां पर यस देयर इज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ राइस ग्रोइंग, एंड दैट इज सम ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग राइस ग्रोइंग एरिया इन पाकिस्तान, सियालकोट और पसरूर और नारोवाल का जो एरिया है दैट इज द बेस्ट, बदोमली दीज एरियाज आर द बेस्ट फॉर बासमती राइस, जिसके अंदर हमारा ट्रेड है। वी मिनिस्टर, वी हैव टू मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर राइट नाउ, वी हैव टू सिटिंग मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर, हसन इकबाल इज फ्रॉम आई थिंक द प्लेस यू आर टॉकिंग अबाउट नारोवाल, एंड ख्वाजा साहब ऑफ कोर्स इज फ्रॉम सियालकोट। तो अच्छा, ये मैं चूंकि आपने जिक्र किया बड़ी अहमियत है इसकी, वो चावल उगाने वालों का मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि वो पोलिटिकली भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन ये मिलर जो है उसके लिए अभी अट्रैक्शन मतलब क्या होगी? ज़्यादातर मिलर्स जो है, मेरा ऐसा ख्याल है कि दे आर ऑल एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर जो है वो बेसिकली राइट नाउ डज नॉट गो टू ए थर्ड पार्टी, वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी पांचों उंगलियां घी में सर कड़ाई में होता है, बाकी सब बेचारे तंग होते हैं। ऐसा आप इत्तेफाक करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो मतलब क्राइसिस सिचुएशन में या किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा जो फेस करते हैं वो एक्सपोर्टर्स ही करते हैं, इन द सेंस के अगर रेट बढ़ जाए तो एक्सपोर्टर्स की तो कस्टमर बेस है, उनको आगे कस्टमर को ऑर्डर करना है और मतलब फॉरेन प्रोसीड लेके आनी है, तो इन अ इंक्रीजिंग मार्केट एज वेल दे आर द वंस हु सफर द मोस्ट, और अगर रेट गिर जाए तो फिर मुसलसल शोर होता है कि एक्सपोर्टर्स जो है वो राइस नहीं खरीद रहे। ओवरऑल जो पूरी सप्लाई चेन है उसके अंदर एक्सपोर्टर्स जो है वो कम है, मेजॉरिटी देयर आर मिलर्स एंड हस्कर्स जो कि जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट। अच्छा। पंजाब के अंदर कहते हैं कि 3,000 से 4,000 शेलर्स और हस्कर्स हैं, सिमिलर नंबर जो है या उससे ज़्यादा नंबर जो है वो सिंध के अंदर है। यानी ये सारे इंटीग्रेटेड नहीं है पूरे के पूरे? नहीं नहीं, फुली इंटीग्रेटेड चेन नहीं है। अच्छा। और एक्सपोर्टर्स जो है आप समझें 400 से 500 एक्सपोर्टर होंगे पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन वो ज़्यादा बेनिफिट में है जो इंटीग्रेटेड है। जो इंटीग्रेटेड है देखिए, उनको कस्टमर्स की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल, आपको ट्रेसेबिलिटी उसकी रखनी है, क्वालिटी कंट्रोल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, या पूरे साल के उनके ऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से उनको प्रोक्योर करना है, तो देर आर, और ऑब्वियसली जो भी ग्रो करता है तो वो इंटीग्रेटेड कोशिश करता है कि मैं एज क्लोज एज पॉसिबल टू दी फार्म डायरेक्ट चला जाऊँ, और तो इस वजह से देर आर इंटीग्रेटेड एक्सपोर्टर्स एज वेल। और ओवरऑल देखें तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टर्स आर टेकिंग, इट्स थ्रू आउट द वैल्यू चेन हर एक का उसके अंदर एक सर्टेन शेयर है। अच्छा, लेकिन पहले ऐसे था कि कमरे में भी बैठ के ना लोगों ने एक्सपोर्ट शुरू की हुई थी, अभी वो बड़े हैमर हुआ है, उनका बिजनेस बड़ा हैमर हुआ है, क्योंकि वो इन सालों के अंदर सस्टेन नहीं कर पाए जी। वो जो एक एक दो दो कंसाइनमेंट बेच के लोग काफ़ी अमीर हो गए थे, वो अब बीच में सिनारियो उनका ये रहा है कि 3-4 साल से वो लोग वो काम नहीं कर पा रहे जो पहले का था। जी, रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ज़माने में 600 से 700 हो गए थे, तो अब वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए, और उसकी वजह यही है कि जो ट्रेड और ओरिएंटेड होते थे कि जिनकी आप कोई फैक्ट्रीज़ या कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो दे हैव कम आउट ऑफ द ट्रेड, और जिनकी एक समझें देयर इज स्किन इन द गेम कि जिनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो दे हैव मोर इंसेंटिव कि इसके अंदर ट्रेड के अंदर फर्दर बेहतरी आए, एक्सपोर्ट हो, फार्मर्स को एक फेयर प्राइस मिले, और जब फार्मर्स को फेयर प्राइस मिलेगी जाहिर सी बात है तभी वो ग्रो करेगा। जो तमाम सप्लाई चेन में किसी को आप आइसोलेशन में ले नहीं सकते, हर एक का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक दूसरे जाविये पर लेकर आऊँगा। आपकी मेरी प्रोग्राम से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखी हुई। पाकिस्तान के अंदर आपने कहा कि हमारे यहाँ सेविंग का रेशो कम है, लेकिन उसका एक मस्बत पहलू ये कि कंजम्पशन फिर ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम राइस ईटिंग कंट्री बने ही नहीं। हमारे ट्रेंड्स जो है, हमने स्टेपल डाइट आज भी वीट रखी हुई, और बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊँ, ये अभी आप नारोवाल का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो है ना, अगर चावल खाते हैं कहते हैं ये खाना पूरा नहीं हुआ, चावल के ऊपर रोटी खाओ। पता नहीं आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया हो। दे आर अ राइस ग्रोइंग प्लेस, बट
राइस कंजम्पशन हम लोगों का ट्रेंड नहीं है, क्यों है ऐसे? एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं कि ओवरऑल वी आर अ व्हीट ईटिंग नेशन, व्हीट इज आवर स्टेपल। यस, राइस हैज ऑलवेज बीन एक्सपोर्टेबल सरप्लस, जिसकी वजह से राइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इज नाउ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्रोसीड्स। यस, जो डोमेस्टिकली ट्रेंड चेंज हो रहा है वो ये है कि राइस इज नाउ यूज एज अ फास्ट फूड। अगर आप देखें बिरयानी को, तो बिरयानी फॉर द कॉमन मैन 50-60 रुपए में उसको एक कंप्लीट मील मिलता है, एंड इट इज अ फास्ट मील, कि उसमें कोई ज्यादा लवाजमत नहीं है, वो फौरन लेता है, ही ईट्स इट एंड इज ऑन हिज वे। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, एक तो वो इस तरह के ट्रेंड से बढ़ रही है क्योंकि डेमोग्राफिक्स भी पाकिस्तान में चेंज हो रहे हैं, और दूसरा जो ट्रेंड है वो ये कि शादी ब्याह के अंदर इवन जहाँ पे वन डिश है तो वहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि भाई चावल खिलाओ। हाँ, चावल के, चावल कब खिलाओ? इफ इट इज अ फेस्टिविटी जी, तो चावल होना फिर लाजमी है। एब्सोल्युटली, यानी तो, दावत पे चावल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। जर्दा है, कोई भी खुशी का मौका है तो उस पर मतलब मीठा चावल खिलाओ। जी जी बिल्कुल। तो बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ ट्रिमेंडस मूव इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ राइस, और देर आर सर्टन अदर फैक्टर्स। तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो इतनी बड़ी है, जो उसके आगे के पहलू है वो ये है कि वर्किंग फीमेल पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, एवरेज हाउस होल्ड साइजेस जो हैं वो फ्रॉम 7 पर हाउस होल्ड इज कमिंग डाउन टूवर्ड्स 6, जिसकी वजह से देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस फैमिली कंपेयर्ड टू एक्सटेंडेड फैमिली। यस यस। तो ये तमाम पैटर्न्स की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, एजुकेशन की वजह से ये चीज़ें चेंज हो रही जी। तो FMCG फूड प्रोडक्ट्स की जो जो एक अब समझे वेव है, उसके साथ पैकेज्ड हाइजीनिक कंडीशंस में जो राइस है उसकी भी मांग बढ़ती जा रही है, उसकी भी ग्रोथ आ रही है। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट थी, या हमारे यहाँ बिरयानी फेस्टिवल करते हैं, खुद ही बिरयानी खा जाते हैं, हमारे लोग वहाँ पर जाकर खुद ही खुश हो जाते हैं। वेस्टर्नर्स के मैंने कुछ ट्रेंड देखे, एक तो उनको एग्जॉटिक फूड पसंद है जी, जो है ना, तो उसमें मतलब वो मसाला वगैरह नहीं पसंद करते जी। उनको एरोमा भी लिमिट तक चाहिए, क्योंकि जैसे सेंस ऑफ स्मेल है, हर मुल्क की अलहदा होती है, हमें जो खुशबू लग रही मुमकिन है वो दूसरे को खुशबू ना लगे। बिल्कुल। तो उस पर थोड़ा रिसर्च होना चाहिए कि एक तो रेसिपी मॉडिफिकेशन हो, दूसरा ये प्रोडक्ट यानी राइस इटसेल्फ की भी मॉडिफिकेशन हो, कि ये बिल्कुल वेस्टर्न फ्लेवर्स और टेस्ट के हिसाब से जाए। क्योंकि देखें ना, हमें डड्डू चावल बुरा लगता है घर में, लेकिन बहुत सारे एशियाई ममालिक ऐसे वो डड्डू चावल ही खाते हैं। आई मीन द स्टिकी राइस दे कंज्यूम, और इफ़ यू गो फॉर फ्राइड राइस दे आर नॉट लुकिंग फॉर लॉन्ग ग्रेन, जैसे हम लोग लुकआउट फॉर कर रहे होते हैं। तो इस पर आपके ख्याल से कोई वर्क होना चाहिए, इस पर मेरे ख्याल पूरी राइस एक्सपोर्टर जो कम्युनिटी उसको बैठना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को भी बैठना चाहिए, सो दैट दे कैन मॉडिफाई फॉर वेस्ट व्यू। हमारे मेजर कंज्यूमर ही वही हैं, क्या ख्याल आपका इस बारे? जो बासमती की अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, तो उसकी मेजर जो कंजम्पशन बेस है वो इनफैक्ट मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट के अंदर ईरान उनका और सऊदी अरेबिया। जी जी जी। तो पाकिस्तान की जो मार्केट है वो उसी डेमोग्राफिक के हिसाब से उसी डिमांड से चल रही है, कि वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेले राइस की जो है ज्यादा डिमांड है, तो पाकिस्तान में इसी वजह से पार्बोइल के बहुत ज्यादा प्लांट लगे। सेला क्या है? सेला इज जस्ट अ ट्रीटमेंट प्रोसेस। ट्रीटमेंट प्रोसेस जो पाकिस्तान में हम घरों में अमूमन कंज्यूम करते हैं वो होता है वाइट राइस। दिस इज नॉर्मल वाइट राइस, जिसका छिलका उतरा हुआ होता है, उसकी ब्रान की लेयर उतरी हुई होती है, विच इज आप समझे रिफाइनिंग के एक प्रोसेस के थ्रू वो चावल आता है। सेले में पैडी समेत चावल को पारबॉइल कर दिया जाता है, इट्स बॉइल्ड इन हॉट वाटर पे। हाँ। जी, जिससे वो जेलेटिनाइज हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी हस्किंग होती है। Right. तो वो थोड़ा आप देखेंगे चावल होता खुला, है वो हार्ड खिला खिला जी, तो अमूमन पाकिस्तान में वो पकवान वाले इस्तेमाल करते हैं। और तो जो टेस्ट जो है कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से ही पाकिस्तान की मार्केट भी इवॉल्व कर रही है। हाँ, अभी पारबॉइल की डिमांड पाकिस्तान में बढ़ गई, मैंने देखा। एब्सोल्युटली, घर घर में ये जो खाते पीते घर हैं जी, उनमें तो मैंने देखा है कि उनकी पारबॉइल की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि वो ये जो क्योंकि बहुत खिला खिला चावल होता है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट्स और होटलों में होता है, जैसे आपने कहा पकवान वाले ज्यादा लेकर जाते हैं, तो वो एक तो क्वांटिटी भी और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो मैंने अभी देखा, ये बात आप सही कह रहे हैं, मैंने ट्रेंड देखा काफी। उसकी दूसरा पहलू ये है कि जो पारबॉइल्ड राइस है उसको जो है कहते हैं कि अनाड़ी भी पका ले। हाँ, जो वाइट राइस है वो अमूमन अगर पहली दफा कोई पका रहा हो या एक्सपर्ट कुक ना हो, सोकिंग टाइम उसका, फिर उसकी इवेपोरेशन, तो चावल बैठ सकता है, ज्यादा खराब होता है। सेले का कहते हैं कि सेला अगर पकाना, अनाड़ी जो शेफ है वो भी पका सकता है। तो अमूमन इस वजह से जो है उसका ट्रेंड बढ़ता भी जा रहा है। फिर एक और जो डेवलपमेंट हो रही है वो हो रही है स्टीम के ऊपर। स्टीमिंग इज अनदर प्रोसेस जिसके स्टीमिंग के प्लांट्स पाकिस्तान में बहुत लग रहे हैं, और उसकी वजह जो है 1121 की जो वैरायटी है उसकी पाकिस्तान के अंदर एक तो ग्रोथ भी बढ़ रही है, फिर जो मार्केट की डिमांड है उसी हिसाब से एक्सपोर्टर्स भी अपने आप को
इवॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन व्हाई स्टीमिंग इज ऑल्सो, बल्कि आजकल तो 1-1, 2-1 के ऊपर लिखा कुछ नहीं होता, लोगों को ऐसा ही महसूस होता है कि हम वो लॉन्ग ग्रेन बासमती वैरायटी या को, बस वो बाद में पता लगता है पकते वक्त कि ये नहीं है, बाकी शक्ल में बिल्कुल में काफी नजदीक जी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मैंने फैजान साहब, वापस आते हैं नाजरीन तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुफ्तगू हमारी जारी है, फैज़ान अली गौरी साहब के साथ बात कर रहे हैं, चावलों की एक्सपोर्ट किस तरह बेहतर की जाए उसके मुतालिक भी बात कर रहे थे, डोमेस्टिक कंजम्पशन के बारे में भी बात की। ये 1-1, 2-1 ने कौम को जो है परेशान किया हुआ है, वैसे तो मुख्तलिफ लोगों को ब्रांड याद रहते हैं, ये 1-1, 2-1 जो है, पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा ये 1-1, 2-1 की वैरायटी, पहले तो ये इंडिजिनसली पाकिस्तान की वैरायटी नहीं है, बाहर से आई ऐसा मुझे किसी ने बताया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसको ग्रो किया लोगों को इसकी अफादियत का अंदाज़ा हुआ, फिर इसकी ग्रोथ बढ़ी, अब आपने बताया कि लोगों ने इसमें एकरेज बढ़ा दी है जी, तो इसका मुस्तकबिल 1-1, 2-1 का क्या है, क्या हमारी राइस एक्सपोर्ट्स के अंदर ये एक बेहतरी ला सकती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ट्रेंड्स के अंदर भी अच्छाई आ सकती है, ये बता दें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो 1-1, 2-1 का जो सीड है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया जी जी, और पाकिस्तान में सबसे पहले ये 2006 और 2007 के अंदर आया ठीक है, और जिस टाइम पे ये इंडिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों ने इसको इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि इसके अंदर अरोमा नहीं है, अरोमा नहीं, दिस इज़ नॉट एन अरोमेटिक वैरायटी जी जी, तो इंडिया के अंदर भी बहुत अरसे तक एक डिबेट रही बिटवीन ट्रेडिशनलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट, मैं कहूँगा राइस के ट्रेड में, ट्रेडिशनलिस्ट का कहना था कि ये बासमती नहीं है, ये बासमती नहीं है और इसके अंदर अरोमा नहीं है, और उस वजह से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वहाँ पे एक डिबेट चलती रही, बट इवेंचुअली हुआ ये कि इंडिया के अंदर इसको एक अप्रूव्ड वैरायटी के तौर पे कंसिडर किया गया, और जो एंड गोल है वो ये है कि कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है जी जी, और कंज्यूमर जो था दुनिया भर के अंदर वो 1121 को एक्सेप्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर भी अब जो ट्रेडिशनल उनकी वैरायटी है बासमती की वो कम हो गई, पाकिस्तान के अंदर भी हल्के हल्के इसकी एकरेज और बढ़ती गई, क्योंकि जितनी भी मार्केट्स पाकिस्तान एक्सेस करता है मिडल ईस्ट के अंदर तमाम GCC के अंदर, वहाँ पे हम देख रहे थे कि पाकिस्तान का शेयर कम हो रहा है और इंडिया का शेयर बढ़ रहा है, सही कह रहे हैं, तो उस वजह से पाकिस्तान के अंदर भी इसकी डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्टर्स की वजह से एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हमारे पास अगर उगेगा तो ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो भी सकेगा, तो नाउ ग्रेजुअली 1121 हैज़ बिकम अ मेजर क्रॉप इन पंजाब, और पाकिस्तान में डोमेस्टिकली इसको कायनात वैरायटी का नाम कहते हैं, कायनात के नाम से लोग जानते हैं, तो 1121 इज़ हल्के हल्के पाकिस्तान के अंदर एकरेज उसकी बढ़ती गई है, और 10 साल के अंदर नाउ इट इज़ अ साइजेबल क्रॉप, जिसकी वजह से फाइनली आफ्टर 3 or 4 years, ट्रेडिशनली अगर हम 10 साल पहले या उससे पहले का टाइम देखें, पाकिस्तान का सुपर वॉज ऑलवेज $200 चीपर देन इंडियन बासमती, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कॉन्फिडेंस से एक्सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ रही थी। जिस दौरान में ये 1121 आया तो 1121 की एक तो यील्ड ज़्यादा थी और इट वाज अ न्यू वैरायटी जिसकी एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन वैरायटी थी, तो इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी, पाकिस्तान के पास ये था नहीं, पाकिस्तान की इसकी क्रॉप बहुत शॉर्ट लिमिटेड क्रॉप थी, तो वी बिकेम ऑलमोस्ट $200 मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट आप जानते हैं कि सफ़र करना शुरू हुआ, और अब फाइनली जब इसकी क्रॉप साइज़ एक साइजेबल क्रॉप साइज़ बन चुकी है तो पाकिस्तान से इसकी एक्सपोर्ट हो रही है, और नाउ वी आर एक्चुअली चीपर देन इंडिया। अच्छा, लेट्स पुट ऑल ऑफ दिस इन परस्पेक्टिव, व्हाट वी कैन डू इज डिलीवर ए क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट्स इट, राइस कैन नॉट प्ले अ मेजर रोल इन बूस्टिंग पाकिस्तान्स एक्सपोर्ट्स, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, राइस कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन बूस्टिंग पाकिस्तान्स एक्सपोर्ट्स, अभी वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस, मैं तो कहूँगा कि वी आर एक्सपोर्टिंग मोस्टली राइस इन कमोडिटी फॉर्म एज अ नेशन, देर आर सर्टन एक्सपोर्टर्स जो कि इसको ब्रांड के तौर पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ब्रांड है फलक, सो दैट इज़ आल्सो एक्सपोर्टेड टू 45-60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सिमिलरली अदर देन ब्रांडिंग, इसके अंदर जितने भी पाकिस्तान के चावल के अंदर बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसमें ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर वैल्यू एडिशन, ये मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपको जस्ट लिमिटेड अगर बताऊँ, प्लीज बताएं, इसका ब्रांड निकलता है वो करंटली इट्स बीइंग सोल्ड एज पोल्ट्री फीड, जो फीड वाले खरीदते हैं और उसको ब्लेंड करके फिर वो फीड बेचते हैं।
राइस के ब्रान से ब्रान ऑयल निकलता है विच इज़ द हेल्दीएस्ट ऑयल इन द वर्ल्ड, तो उसका पाकिस्तान में माशाल्लाह एक प्लांट लग चुका है और जो ब्रान ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ब्रान होती है दैट इज़ एक्चुअली हेल्दियर, दैट सेल्स एट अ प्रीमियम. तो ब्रान भी, ब्रान से ब्रान ऑयल भी निकल रहा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो दैट इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर आवर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. फिर फर्दर जो आप समझें कि हस्क निकल रहा है, हस्क को जलाया जाता है. ब्रान ऑयल इज एडिबल? जी जी, इट्स परफेक्टली एडिबल. इट इज़ कंसिडर्ड हार्ट ऑयल इन जापान. जापान में इसको कहते हैं कि इट हार्ट ऑयल, इट इज़ द मोस्ट हेल्दी. तो राइस की और प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं. जी जी बिल्कुल, तो उसका पोटेंशियल है लेकिन वो पाकिस्तान में बन नहीं सकती. नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे. बाकी जो नहीं, राइस विनेगर का तो है. एब्सोल्युटली राइस विनेगर का है. और सब्सिक्वेंटली जो उसका हस्क निकल रहा है, हस्क अभी भी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जलाया जाता है इन बॉयलर्स टू प्रोड्यूस प्रोसेस स्टीम. जो राइस का हस्क का ऐश है, एब्सोल्युटली जो राइस हस्क का ऐश है, इट इज़ वेरी हाई इन सिलिका. तो उससे सिलिका के एक्सट्रैक्शन प्लांट सब लगना शुरू हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एंड दैट सिलिका इज गोइंग इन द सीमेंट इंडस्ट्री एंड इट इज गोइंग इन द रबर इंडस्ट्री. वो उसका एक मेजर रॉ मटेरियल है. जो ब्रोकन राइस है पाकिस्तान का, ब्रोकन राइस से वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ राइस फ्लावर. राइस फ्लावर वो लोग कंज्यूम करते हैं हु आर ग्लूटन, जिनको ग्लूटन की एलर्जी हो, क्योंकि वीट इज बेस्ड आउट ग्लूटन बेस्ड होता है. राइस फ्लावर, राइस से राइस प्रोटीन निकाल रहे हैं, राइस ग्लूकोज निकाल रहे हैं, राइस फ्रुक्टोज निकाल रहे हैं, राइस सॉर्बिटॉल निकाल रहे हैं, एंड देन राइस जो उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके न्यूट्रिएंट्स का आइसोलेट कर करके हैं. एब्सोल्युटली, तो उसका बहुत बेतहाशा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर. ऑलरेडी इस पर काम हो रहा है एंड दिस इज़ अ मेजर मार्केट. उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ. तीन वजूहत हैं. दुनिया भर के अंदर जितना भी ग्लूकोज इस्तेमाल होता है, चाहे वो केचप में हो रहा है, चाहे वो सिरप्स के अंदर यूज़ हो रहा हो, चाहे वो मुख्तलिफ कन्फेक्शनरी में यूज़ हो रहा हो, दैट इज़ कॉर्न ग्लूकोज, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. कॉर्न जो है वो 90% ऑफ द वर्ल्ड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO. तो इन द डेवलप्ड मार्केट्स, USA या यूरोप के अंदर, वेर दे डोंट वॉन्ट टू लेबल प्रोडक्ट्स विद GMO, दे वॉन्ट टू लेबल देम एज नॉन GMO, या वो लिखना चाहते हैं ग्लूटेन फ्री, या ऑर्गेनिक लिखना चाहते हैं, ग्लूटेन फ्री लिखते हैं भी बहुत सारे ने. तो मार्केट बढ़ती है उससे. जी जी, तो उस प्रीमियम प्रोडक्ट हो जाता उस प्रोडक्ट के लिए दे आर सोर्सिंग राइस ग्लूकोज, और राइस ग्लूकोज इस वजह से दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट इन प्रॉब्ली द वर्ल्ड एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ दैट. तो राइस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, मुझे तो एक ही पता था स्टार्च का. जी, कि राइस से स्टार्च होती है, स्टार्च के यूज़ कर लेते हैं. नहीं, सबसे ज़्यादा जो कॉमन स्टार्च है वो पोटैटो स्टार्च है, या जो कॉर्न स्टार्च है वो यूज़ होती है. राइट. अच्छा, कॉर्न ये सबसे सस्ती प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, इसी वजह से पाकिस्तान में राइस स्टार्च के ऊपर कोई ऐसा रिसर्च या महंगा पड़ता है. राइस स्टार्च इज एक्सपेंसिव, बट जो उसकी एडवांटेजेस हैं, इट हैज़ द स्मॉलेस्ट माइक्रोन, जो उसका माइक्रोन का साइज है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट amongst all kinds of different starches, which is why rice starch is also very high in demand for baby food, for makeup products, for fat replacement, because it has a full fat feel in the mouth. So rice starch is also industry. So abhi to main aapse jis tarah kaha ki we are just scratching the surface. जिस इसके अंदर entrepreneurs जैसे जैसे evolve करेंगे, वो growth लेके आएंगे, तो rice ingredients will itself become a $2 billion industry from Pakistan, जिसके अंदर huge potential है. ये आप बात कर रहे हैं, ये राइस के अंदर से जो चीजें बाय प्रोडक्ट निकली, बाय प्रोडक्ट से वैल्यू एडेड, हाँ वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन है, वो एक सेपरेट है. जी, और ये वो चीजें हैं जो कि राइस जब बन गई तो उसके अंदर से, जैसे ब्रान जो है आपने कहा वैसे ही निकाल दिए, निकालने के बाद वो इस्तेमाल में आ गया. जी, उसका कुकिंग ऑयल भी, एडिबल ऑयल भी तैयार हो गया. उसके साथ साथ जो है वो खाने में भी, आप बोल रहे हैं कि ब्रान जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है फॉर फीड, फॉर मतलब फॉर एनिमल्स. जी जी, फॉर एनिमल्स, एनिमल फीड. कहीं इंसान ना समझ ले, वैसे हमारे इंसानों को भी वो खिला दिया जाता है कभी कभार, पाकिस्तान में जो जानवरों को भी नहीं खिलाते, बट इट गोज दैट वे. भाई मैं तो ये फील करता हूँ कि इसके जो पोटेंशियल है इसको पूरा टैप किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है एंटरप्रेन्योर्स जो है ना थोड़े से स्केयर्ड है पाकिस्तान में. मैं जिससे भी बात करता हूँ ना कि ये शुरू करे, वो बोलते हैं अली भाई सीधा सीधा जो काम है ना हम वो काम करेंगे. जैसे शुगर वाले, उनसे मैं बात करता हूँ शुगर के, कि भाई आप मोलेसिस पे काम करो, बड़ा महंगा, जैसे आपने भी बताया, वो बोलते हैं ये एडवेंचर है. तो आपने देखा होगा ऐसे नहीं कि मोलेसिस पे काम नहीं, कम हुआ, जबकि एक मुल्क जो है इधर इतनी ज़्यादा शुगर केन होती हो. इसी तरह आप राइस की जैसे बात करें, आपके ख्याल से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मिल जाए एंटरप्रेन्योर को कि थोड़ा वो एडवेंचर कर सके, क्योंकि अपने पैसे लगाते हुए लोगों को थोड़ा सा खौफ आता है. तो आप क्यों फाइनेंस के आदमी, आप जानते हैं इस बात को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट को कंपेयर करना पड़ता है. अगर उधार थोड़ा सस्ता मिल जाए तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारा एंटरप्रेन्योर थोड़ा इनकरेज हो जाएगा. इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसमें ऑलरेडी जो पाकिस्तान के अंदर सर्टेन जो पॉलिसीज़ हैं विच आर एक्चुअली फेवरेबल टू एक्सपोर्टर्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स के लिए LTFF है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए ERF है,
देर आर थिंग्स, लेकिन जिसकी एडिशन है वो है कि क्रेडिट इंश्योरेंस मिले, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको क्रेडिट कवर मिले, तो उसके लिए भी पाकिस्तान में माशाल्लाह अच्छी बात है कि काम हो रहा है। उसको एक्सप्लेन करें क्रेडिट कवर क्या मतलब। क्रेडिट इंश्योरेंस ये कि अगर आप किसी कस्टमर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपसे क्रेडिट मांग रहा है, वो उधार ले रहा है, वो बेल्जियम में बैठा है या फ्रांस में बैठा है, ओके, सही है, तो अगर आप उसको उधार देंगे तो पैसे कल को फंस गए तो आप पैसे किस तरह रिकवर करेंगे। तो दुनिया भर में एग्जिम बैंक्स होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एलसी ओपनिंग, डिस्काउंटिंग, फॉरेन बिल परचेज, और उसकी जो एडिशनल सर्विस होती है वो होती है क्रेडिट इंश्योरेंस। तो वो आप अगर किसी को क्रेडिट दे रहे हैं तो वो उसको इंश्योरेंस करता है कि इफ दैट पार्टी डज नॉट पे तो एटलीस्ट आपको उसका 90% प्रोसीड रिकवर हो जाए या सर्टेन प्रोसीड रिकवर हो जाए, ताकि आपको कंप्लीट वाइप आउट लॉस ना हो। सिमिलर टू अ गारंटी, बट द अदर वे अराउंड, बिल्कुल राइट। तो पाकिस्तान में एग्जिम बैंक बन चुका है, उस पर काम हो रहा है, एंड होपफुली वो एक तरह से कमर्शियली भी लॉन्च हो जाएगा, जो स्टेट बैंक इस पर काम कर रहा है जहां तक हमारी बड़ी नीड है। एक्चुअली पता है परेशानी क्या है, या आपने ईरान वाली भी जो बात की ना, बहुत सारा एक्सपोर्टर परेशान है, तो आई थिंक इफ दे कुड डू समथिंग विद ईरान दैट मेक्स इट रियली कन्वीनियंट, एब्सोल्युटली फॉर राइस, एब्सोल्युटली। और फिर उसके अलावा क्या है कि वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद चाइना आल्सो, आई डोंट नो वेदर इट्स अ कंपेटिटर इन राइस और इट्स अ कंज्यूमर ऑफ आर राइस, आई डोंट नो व्हाट्स द स्टेटस ऑफ चाइना राइट नाउ बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट। डू वी एक्सपोर्ट सम राइस टू चाइना? चाइना से इवन बिफोर सीपेक मैं तो कहता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान आर ऑलमोस्ट जैसे ट्विन नेशंस व्हेन इट कम्स टू राइस। जो पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर लॉन्ग ग्रेन राइस डेवलप हुई वो चाइना के ही सीड से हुई, कि चाइनीज रिसर्च, दे हैव सम अमेजिंग राइस एग्रीकल्चर, बिल्कुल हाई यील्डिंग वैरायटीज, लोअर कॉस्ट जिसके अंदर इंपोर्ट्स यूज हो रही हैं। तो पाकिस्तान में लॉन्ग ग्रेन जो बूम आया है वो इसी वजह से आया। अच्छा, उनकी भी लॉन्ग ग्रेन की? जी एब्सोल्युटली। तो दूसरा फैक्टर है कि पाकिस्तान के लिए फॉर लॉन्ग ग्रेन नॉन बासमती राइस चाइना बिकेम अ ह्यूज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ऑलमोस्ट 500,000 टन सिर्फ चाइना की मार्केट अलोन पाकिस्तान से खरीद रही है। जी, इवन टुडे, नॉट दिस ईयर, बिकॉज दिस ईयर पाकिस्तान 500,000 टन, 500,000 टन, दैट्स अ लॉट, दैट्स अ ह्यूज ह्यूज मार्केट, सिंगल बिगेस्ट मार्केट फॉर पाकिस्तान हैज बिकम चाइना। तो फॉर लॉन्ग ग्रेन राइस, तो चाइना विल, चाइना की जो प्रोक्योरमेंट है वो दुनिया भर से एक तो प्रोक्योर कर रहे हैं थाईलैंड वियतनाम से, इस साल जो डिसएडवांटेज रहा कि पाकिस्तान की प्राइसेज हाई होने की वजह से वहाँ पर कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं सकी है। सो ये जो फैक्टर है कि चाइना इज अ मेजर प्लेयर एंड सीपेक अगर आता है, आप करेंसी एडवांटेज दो, हो सकता है 5-6% बचत हो जाए उनको, ज़्यादा कंपेरेटिव हो जाए। जी मतलब ओवरऑल जो है, देखें ये एग्जिम बैंक के आने से या बाकी और एक्सेस टू फाइनेंस के होने से दिस विल इनकरेज ट्रेड इवन टू चाइना या जिस तरह ईरान आप मेंशन कर रहे हैं। इफ समहाउ वी आर एबल टू अरेंज समथिंग ऑन द फाइनेंशियल फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, even if we can give someone a 2% advantage, I think that's a big deal. Absolutely. Because foreign currency translation ka jo hamara issue hai, aap bilkul sahi keh rahe hain, that's about 2% advantage hai, mera aisa khayal hai. Aap bilkul sahi keh rahe hain, kyunki agar hum dekhen India ki aur Iran ke sath jo state bank to state bank settlement thi, to that was Indian exporter was exporting in Indian rupee and getting his export proceeds in Indian rupee, aur jo Iran mein baitha hua importer wo khareed raha tha to wo Iranian tumar mein le raha tha, to usse foreign currency translation या ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है जब आप वो कम करेंगे तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज और बिजनेस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत रुपए पर काम होता है लोगों का, तो जाहिर बात है बहुत मेजर फैक्टर। एंड वी आर नॉट डीलिंग विद बल्क, यू बी आई मीन दैट बिकम्स द प्रॉफिट फॉर बोथ द पार्टीज आई थिंक। बिल्कुल। तो बात शुरू हुई थी एक्सेस टू फाइनेंस, तो एक्सेस टू फाइनेंस डेफिनेटली विल हेल्प द राइस ट्रेड ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा लेकिन ये ट्रेड फैसिलिटेशन है ना जो आप बता रहे हैं, जी अदर देन जस्ट आप समझें कि डेट फाइनेंसिंग जिस तरह आपने पहले मेंशन किया, इक्विटी फाइनेंसिंग, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देर इज नो लिस्टेड कंपनी ऑफ राइस जो एक्टिवली ट्रेड कर रही हो ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए कि दे इम्प्रूव देयर कंपनीज लेकिन वर्किंग कैपिटल तो इंसेंटिव बहुत ज्यादा है क्योंकि क्रॉप हमारे पास पाकिस्तान में एक ही है, आपने पूरे 12 महीने के लिए खरीदनी है या सर्टन अमाउंट के लिए खरीदनी है, स्टॉक कैरी करना है, इन्वेंट्री आपकी कॉस्ट है, तो वर्किंग कैपिटल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, तो तमाम चीजें जो है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी तो काफी ज्यादा है। एंड देन जो मजीद अगर कोई एक्सपेंशन करने जाए जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कैपिटल इंटेंसिव विच रिक्वायर कंपनीज इन पाकिस्तान आई थिंक शुड बी पब्लिक लिस्टेड। जो राइस के स्टॉक्स हैं दे शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन शाही होता है ना। देखिए आप जैसे ये विजन ला रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेडिशनल विजन ये है, आप जैसे
मैंने ये देखा कि लोग कॉर्पोरेटाइज होने से डरते हैं, बोले कॉर्पोरेटाइज होंगे तो हमारे रिकॉर्ड पब्लिक को पता लगेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात आपकी सही है कि अगर कोई लिस्टिंग की तरफ अभी चला जाए ब्रांड राइस का, बड़ा पैसा इसमें जनरेट कर सकते हैं इक्विटी मार्केट। एक एक मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि वेल्थ इज़ नॉट जस्ट वेल्थ इन योर पॉकेट, इट्स योर क्रेडिबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ इन द फ्यूचर। तो पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी बड़े ग्रुप का हम एग्जांपल देखें, वो अगर उसने मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है या मुल्क के अंदर नई इंडस्ट्री लगाई है, तो दे आर पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज़ विच हैव क्रेडिबिलिटी टू रेज आइदर एक्विटी कैपिटल ऑन देयर बुक्स या डेट कैपिटल फ्रॉम कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक्स ऑफ पाकिस्तान या इस्लामिक बैंक्स ऑफ पाकिस्तान। दैट ओनली अकर्स व्हेन बिजनेसमैन इन पाकिस्तान हैव अ क्लियर आईडिया ऑफ टाइम वैल्यू। वो विजन बहुत जरूरी है। हाँ, कि क्रेडिबिलिटी, आपकी वेल्थ अभी समझा जाता है जो एक ट्रेडिशनल मॉडल है कि पैसे अगर मैं टैक्स शो ना करूँ, जो अपनी बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन ना करूँ और जेब में रख लूँ, तो वो वेल्थ नहीं है। असल वेल्थ है योर एबिलिटी टू क्रिएट वेल्थ इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी। कि ये आपने जो अगर स्टॉक मार्केट जा रहे हैं तो यू आर क्रेडिबल, यू हैव सर्टेन प्लान्स एंड यू विल एग्जीक्यूट देम। तो जो पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, वुड यू बी विलिंग टू गो पब्लिक? यस, वी आर इन द प्रोसेस इंशाल्लाह, सो वी आर गोइंग टू गो पब्लिक दिस ईयर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज नॉट दैट मच ऑफ अ वरी फॉर? नहीं, वी हैव बीन गेयरिंग अप फॉर दैट फॉर मेनी ईयर्स। ओके, सो वी आर फॉर एग्जांपल IFC वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो एन इक्विटी पार्टनर इन मेटको फूड्स, और दिस हैज़ बीन समथिंग इन द प्रोग्रेस जिसकी तरफ हम अब उसकी फ्रूजन की तरफ अब जा रहे हैं कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह। तो ये देखिए, ये तो मैं हमेशा इनक्रेज करता हूँ प्रो, टू बी वेरी फ्रेंक, मैं इस चीज़ को इनक्रेज करता हूँ व्हेन कंपनीज आर गोइंग पब्लिक, क्योंकि रीज़न ये कि देखिए हमारा प्रोग्राम ज़्यादातर स्टॉक वाले देखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पूरा दिन उन लोगों के पास यही होता है बिजनेस प्रेस लगाया, अभी देखो शेयर में टिकर क्या चल रहा है, बिजनेसमैन क्या कह रहा है। तो मैं तो इस चीज़ को इनक्रेज करता हूँ ज़्यादा, जितनी ज़्यादा पब्लिक ऑफरिंग आए। अभी तो आई थिंक टाइम इज़ राइट, आई डोंट नो वाई गवर्नमेंट वॉज सो रिलक्टेंट इन putting up their businesses for sale. I am seriously telling you, थोड़ी discussion दूसरी तरफ जाएगी, but I think the stock market is. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो हमारी stock market में depth भी आनी चाहिए. There are very limited number of shares which are actively traded, limited number of sectors. अभी GSK consumer health का जो specie dividend मिला और उसकी trading शुरू हुई, तो आप देखें कि उसकी trading हो ही नहीं पा रही। There is such a strong demand for good business avenues for people to invest their money in. तो businesses in Pakistan, और जैसे मैं अगर अपनी industry की बात करूँ rice export industry की, they don't realize that there is so much demand. India के sector को अगर हम as a closest comparable compare करें, तो India के अंदर multiple public listed companies हैं which are exporters of rice. उसकी advantage ये है, they have permanent capital on their balance sheets with which they have acquired companies in USA, in Germany, in Europe. और उन्होंने ऐसे ऐसे ब्रांड्स एक्वायर किए हैं विच हैव गिवन देम ट्रिमेंडस एक्सेस टू मार्केट। अगर एक्सपोर्ट के अंदर अगर किसी का ये विजन नहीं है कि मैं जाके कोई ब्रांड एक्वायर करूं, तो आई डोंट थिंक दे शुड बी इन द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। दे शुड, इंडिया वाले हैं बिल्कुल। ये मिटल वालों ने आर्सेलोर खरीद ली, आर्सेलोर मिटल खरीद ली, और इसके अलावा ये टाटा वाले यूके के अंदर एक प्लांट चला रहे हैं अपना, उसके अलावा कोरस स्टील खरीदी थी, टाटा स्टील ने कोरस स्टील को खरीदा था, बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड था, है ना। इसी तरह ये लोग कोशिश कर रहे हैं, दे आर इन हंट फॉर गुड ब्रांड्स अब्रॉड, एब्सोल्युटली, इन ऑर्डर टू डेवलप और बिल्ड, यू नो। देखिए, इट गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर मार्केट। अगर कोई आप ब्रांड एक्वायर करते हैं, तो वो ऑलरेडी किसी स्टोर्स में लिस्टेड होता है, उसकी ऑलरेडी एक रिकरिंग सेल्स होती है जिसके बेसिस के ऊपर वो ब्रांड खड़ा होता है। और इफ अ कंपनी फॉर एग्जांपल जो इंडिया के मॉडल्स हैं, उन्होंने जो कंपनीज को अक्वायर किया, दैट गिव देम इमीडिएट एक्सेस टू सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, जो ऑलरेडी लिस्टिंग्स हुई हुई थी और उनकी सेल डे वन से शुरू हो गई, क्योंकि वो बासमती जा रहा था वहाँ पे, एंड दैट हैज बिकम इफेक्टिवली द लार्जेस्ट ब्रांड इन द US मार्केट। मार्केट पेनिट्रेशन में आसानी हो गई, वहाँ के फ्रेमवर्क के अंदर आप आसानी से फिट हो गए, बिल्कुल, because they are a free market economy, right? So anyone can go and buy anything they want. Absolutely. तो उसमें एक तो जो अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिस्टेड होती है तो उससे स्ट्रेंथ आती है। जो दूसरा फैक्टर है और वो एग्जिम बैंक का है कि एग्जिम बैंक्स इन द वर्ल्ड ओवर, चाहे वो मलेशिया का एग्जिम बैंक हो, इंडिया का हो, कहीं और का हो, दे सपोर्ट देयर डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स टू एक्विजिशन फाइनेंसिंग। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप समझते हैं कि दिस कंपनी इज राइप फॉर एक्विजिशन, क्योंकि लाखों बिजनेस हैं जो यूरोप में बिक रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिक रहे हैं, फूड रिलेटेड बिजनेसेस हमारे, मैं कहता हूँ चटनी पिकल, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे हैव ट्रेमेंडस एक्सेस के वो जाके भाई कभी कभार दे लूज आउट ऑन स्टैमिना जी, जस्ट लाइक दिस, एब्सोल्युटली, दे आई मीन One man's garbage is another man's treasure. This is what I think. Many businesses there are continuously, you know, strategically maneuvering themselves. Or sometimes they just want to get, their board of directors just suddenly says that we want to sell our food business. जी. Even if it's profitable. Absolutely.
even if it's profitable. They say rate of return doesn't match in that set. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. और पाकिस्तान में आप देखें एक सक्सेसफुल एग्जांपल अगर हम मार्टिन डाओ का देखें कि मार्टिन डाओ फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट इन फ्रांस उसको टर्न अराउंड किया चला रहे हैं तो दैट शुड ऑल्सो बी इनकरेज द अबिलिटी टू ट्रांसफर कैपिटल फॉर एक्विजिशन उसकी भी रूल्स को रिलैक्स होने की जरूरत है फ्रॉम पाकिस्तान एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट राइट नाउ एंड आई थिंक दैट यू शुड बी ऑन अ हंट फॉर बिजनेसेस अब्रॉड स्पेशली पाकिस्तानीज हु आर हाई नेटवर्थ individuals or corporations should be hunting for business opportunities abroad. I mean I'm sure a lot of businesses abroad are hunting for businesses here. To ye ek musbat baat hai. Bada lutf aaya aaj Faizan Ali Ghori sahab aapke sath guftugu karke bahut sare mauzuat pe baat hui. Badi achhi baat hai ki aap bhi ek corporate leader ki tarah soch rahe ho aur vision ke sath soch rahe ho ki hame mulk ki environment ko change karna chahiye. Subah bhi is mauzu par hi baat ho rahi thi kis tarah is cheez ko change kiya jaye. To iske sath hi nazreen aaj ke program ka hamara waqt khatam hua chahta hai. اسی طرح کے معاشی موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک آپ کے پیغامات کے منتظر علی ناصر ہماری ٹیم کو جات دیجیے اللہ حافظ